श्रोता बंधु, तो कंस की जो दोनों रानी थी अस्थि और प्राप्ति, आज वो अपने पति की लाश पर आकर के रोई हैं। श्रोता बंधु, कंस का दाह संस्कार किया जमुना जी के किनारे पर, तो इधर कंस की जो दोनों रानी थी अस्थि और प्राप्ति, वो महाराज जरासंध के पास पहुंचे हैं। तो जरासंध ने पूछा है कि बेटा आज बिना बुलाए कैसे आई हो और तुम रो क्यों रही हो? तो उस समय आज दोनों लड़कियों ने अपने पिता से कहा है, जरासंध से, किस तरह से? अरे सबूरी मेरे नाए दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाए दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाए दिल बंधे सबूरी, एक दिना की बात पिता बे बरना लली कछू बात है गई है, कोई कारण बनी हो? सुनो, मेरी नंद के दोनों बेटा चल मथुरा, बदलो जाई बताओ, सो समय उजरी गयो तन कोरे अब तो हाथ मोहरे दई चूरी, अरे मेरे न्याय दिल बंधे सबूरी, सो समय उजरी गयो तन कोरे अब हाथ मोहरे गई जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सजाई है, 23। एक अक्षौणी सेना की गिनती श्रीमद भगवत गीता में
2,18,700। तो जब चढ़ाई की मथुरा पे तो भगवान ने सेना सम्मार्दी जरासंध को छोड़ दिया। दूसरी बार फिर आया, उतनी सेना फिर तैयार की, भगवान ने सेना फिर मार दी, जरासंध फिर छोड़ दिया। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। भगवान का यह विचार था कि मुझे पृथ्वी का भार कम करना है, तो ये इकट्ठा करता रहेगा, मैं मारता रहूंगा। कितना पानी लेकर हो जाए, ताकि पीछे सब पंडाल बेचे न। परिचय तो कह रहे हैं, यारा नहर भरी गई, इतना पानी लेकर हो, बैठ जाओ, बात करना बंद कर दो, सुनो। तो जिसमें 17 बार आक्रमण कर चुका था, 18वीं बार एक जरासंध का मित्र था कालेवन, तो 3 करोड़ मलेच्छों की सेना तैयार किया, 3 करोड़। और जिस समय चढ़ के आया है, भगवान श्याम सुंदर से सामना हुआ उसका, तब कहा, लड़के तेरा ही नाम कृष्ण है? हाँ, मेरा ही नाम। तो लड़ेगा महाराज, तुम लड़ोगे तो लड़ू लेंगे। जैसे ही हाथ बढ़ाया सामने, इधर से श्याम सुंदर ने बढ़ा दिया, 4 अंगुल का फासला रह गया। कालेवन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गए। दोनों हाथ लंबे करके जो चेट भर वो चाहे, भगवान मैदान छोड़ के भाग भाग गए। एक नाम और पड़ गया, रणछोड़। ये रणछोड़ नाम भगवान का है, भागते रहे। एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहे थे, तो कन्हैया ने अपनी पीतांबर उन्हें उड़ा दी और पीछे छिप गए। तो कालेवन ने जाकर के कहा कि अच्छा, तो तू सोवे को बहानो कर रहा है, जब आता जान तो अगर सोबत भाई मात ना है, उठ जल्दी, मार के जाऊंगा आज। अब उतरते आवाज तो बूढ़े सो जगिरो हो, सुबैया सो रो बहुत दिन थे, जब आवाज नहीं दी तो कालेवन करता क्या था, अरे तब चरण करो लात मार दी। ये कुमार पाल सिंह गढ़ी सिधारी से एक हारमाला से सम्मानित किया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अरे तब चरण करो फेरा हारा, लात मार दई असुर दुबारा। लात मार दई असुर दुबारा, महापुरुष ने पल कयू घारा, उचितवत कालियवन भोछारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की याद। कालियवन भस्म हो गया। तो परीक्षित जी ने पूछा है श्री सुखदेव जी से कि प्रभु वो पर्वत की जो गुफा में सो रहे थे वो कौन थे? राजन परीक्षित वही मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, देवताओं की मदद की थी, देवताओं की मदद की थी युद्ध भूमि में। हेलो, तो केवल सोना मांगा था उन्होंने कि मैं सोना चाहता हूं। ध्यान दे, अनिल गुदाऊ वाली आवाज सुन पा रहे हो तो व्यास मंच के सामने पर आ जाए। राजन परीक्षित, का जगह ना मिल रही है नहीं द्वजन, नगला केवल से
एवरन सिंह कलश वाली कन्याओं के लिए एक एक टिफिन है उनकी तरफ से। ललिबा में टिफिनों में लड्डू हैं दो दे, आ गिलास मिली गो, कपड़ा मिली गए, टिफिन मिल गो, ठीक है। ऐसे करो थोड़ी बहुत जगह कमी पड़ रही है तो देखो यहाँ बिछवा दो कुछ, कोई बिछौना पल्ली अल्ली ले गए, हाँ यहाँ जगह है अभी थोड़ी सी। क्या करें, यूं कह रहे कर रहा है कि क्या करें, तीन जगह तीन जन्नू की जगह तो तय में बहन जी घेरे बैठी हैं अकेली। राजन परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण का सामना हुआ मुचकुंद महाराज से, तो भगवान कन्हैया का सामना करके हृदय में कृष्ण का नाम का जाप करते हुए धीरे 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 पर्वत की तरफ चले। अब लौटे श्याम सुंदर, तब कही दाऊ भैया सत्रह बार जीते अब की बार हारनो पड़े हो। क्यों, कोई जीती हुई बाजी को हारना चाहता है? लेकिन ध्यान रखना उसका नाम ही कृपा निधान क्यों है, कि सत्रह बार जीते वो इतरासन था, उतनी सेना थी, और अब की बार युद्ध के मैदान में हार स्वीकार की, और हार स्वीकार क्यों की उसे सुनो, भगवान हारे क्यों अठारहवीं बार, तब बताया बलराम को। अरे जरासंध जा पापी ने और अब की सेना सजाई रे, भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते थे। अरे समर भूमि में समर भाई और पड़ गई हाय हाय दैया रे, और पर्वत की चोटी
महिला दोनों पर्वत से पीछे कूद गई। सागर के मध्य में विश्वकर्मा से नगला केवल से एवरन सिंह जी की तरफ से लड़की सब नहीं बैठी है, बिल्कुल तुम पहुंचो सही। ध्यान रखना राजन परीक्षित, आज भगवान द्वारका नगरी जो बसवाई थी विश्वकर्मा से, उसकी श्रीमद् भागवत महापुराण में लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस द्वारका की। तो द्वारका नगर के लिए चले, करी तो अपने ही मन की, का कह के आए थे कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन गोपिकाएं जो थी, उन गोपिकाओं ने दोष किन पे लगाया था? भगवान स्वयं अपने मन की कर गए, लेकिन गोपिकाओं ने दोष लगाया किन पे? ये आपने सुना होगा, ये फागुन के महीना में जब रस्याए भजन गाए जाते हैं तो ये गोपिकाएं दोष लगा रही हैं श्याम सुंदर पे। किन पे? अरे पपिया रखें। जो भी नौजवान बच्चे हैं वो भैया हलवाई आ चुके हैं, तो नौजवान बच्चे अपने अपने घर से फावड़ा लेकर के उनके पास पहुंचे। पपिया काय को बोला बैरी, बोल रे जा जन्म जरी के जिए पे। क्यों मोकू अरे कुबी जा तो बनी गई बैरी।